चुनाव में महज चंद दिन रह गए हैं। ऐसे में प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन जोर शोर से शुरू कर दी है। वहीं इसी के चलते भाजपा प्रत्याशी प्रेमपाल धनगर के नेतृत्व में उनके पुत्र डॉक्टर सागर धनगर ने कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रों में डोर टू डोर संपर्क अभियान शुरू किया। भोपाल, गढ़ी, रामगढ़, कुतकपुर व अन्य गांव में जनसंपर्क किया और अपने समर्थकों के साथ विधानसभा में डोर टू डोर आज घर घर संपर्क करते हुए क्षेत्रवासियों को आगामी 20 फरवरी के दिन कमल के सामने वाला बटन दबाकर भाजपा को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। विधानसभा चुनाव में आपके पिताजी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं? मुद्दे हमारे जो इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है, मूल समस्याएं जो है, जैसे सड़कें, खराब पानी की समस्या और जो अभी इस समय किसानों सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है, गायों की समस्या, तो यही अभी तो मूल रूप से जो अभी मुद्दे हैं वो यही है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ दिन बाद मतदान होने वाले हैं, ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? तैयारियाँ हमारी जोरों से हैं, शोरों से हैं, बहुत अच्छे से तैयारियाँ चल रही हैं। सारे जो भी हमारे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सभी में उत्साह है, काफ़ी अच्छा जोश है और सभी अच्छे उत्साह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने पिताजी का फाइट किससे मानते हैं? हमारे फाइट अभी किसी से नहीं है, हम काफ़ी अच्छे मतों से जीतने वाले हैं और परिणाम बता देगा कि हम अच्छे मतों से जीतेंगे। फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दर्शन शर्मा की रिपोर्ट, आनंद भारत। पूरा मामला बांदा जनपद के बबेरू विधानसभा का है, जहां सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक विशंभर सिंह यादव ने राघव थोक करोहिया पूर्वा मरका रोड अछाहा कोर्रम साथी सया बरौली आजम कोर्रा खुर्द दफ्तरा बछौदा कोरही कैरी आदि गांवों का भ्रमण कर वोट मांगे। वहीं कोरही में नुक्कड़ जनसभा कर साइकिल चुनाव चिन्ह पर वोट करने की अपील की। कहा कि सपा सरकार गरीब किसान मजदूरों की सरकार है, सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली, 1 करोड़ पेंशन, लैपटॉप आदि दिया जाएगा। इस दौरान हसन सिद्दीकी, जाहिद खान, अक्रम सेठ, प्रदीप जड़िया, अब्दुल गनी नौमानी, संदीप यादव, पवन कुशवाहा, विमल यादव, अजीत यादव, राम नारायण यादव, धर्मेंद्र सिंह, पीयूष गुप्ता, प्रदीप परिहार, जन्मेजय सिंह, शेखर शर्मा, भूपत यादव, रहमत उल्ला, बाला पटेल, पप्पू पटेल, कमल पाल, आमिर खान, शहनवाज खान आदि ने विचार रखकर वोट मांगे। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बांदा जिला संवाददाता आर9 भारत से शिव विलास शर्मा की रिपोर्ट।